ऐसे पानी निकल जाता है यहाँ पे लेना रिवर में फिशिंग करते टाइम। उन्होंने ऑलरेडी थोड़े बहुत फिशिंग करी हुई है, देख लो ये सारे फिशेस पकड़ी हुई है उन्होंने, यहीं से पकड़ी है। तो भाई यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे टेंट लगाया हुआ है, यहाँ पे लोग रेस्ट वगैरह करते हैं क्योंकि बाहर तो आप ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। तो यहाँ पे भाई ये ऑटोमेट कर रहे हैं फिशिंग को यार। ओके 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 ओके। मैंने फिशिंग काफ़ी देखी है बट ऐसी फिशिंग मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ दुनिया के सबसे ठंडे जगह पे। भाई हम फिशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, देख लो भाई। वेलकम टू माई चैनल एवरीवन, स्वागत है आप लोग का मेरे अगले वीडियो में फ्रॉम यकूत्स। मेरा नाम है विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वॉन्डरिंग मैनियक। अभी फिलहाल हम लोग यकूत्स से कुछ अराउंड 40 से 50 किलोमीटर दूर आए हुए हैं और ये विलेज का नाम कुछ अक्तियुक्स ऐसा कुछ है, एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आया। इसका मैं लोकेशन जो है वो आप लोग को मैप से दिखा दूंगा बट फिलहाल हम लोग हैं यहाँ पे लेना रिवर में। तो लेना रिवर फ्लो करता है यहाँ पे यकूत्स में। जैसे हम लोग फिलहाल जब आ भी रहे थे हम लोग निजनी बिस्तियाक स्टेशन से यकूत्स की तरफ, अभी भी हम लोग ने लेना रिवर क्रॉस किया था और लिटरली मैं अभी यहाँ पे लेना रिवर पे ही खड़ा हूँ भाई। तो देख सकते हो भाई ये पूरा माहौल है, ये लेना रिवर है। और यहाँ पे भाई यकूत्स में एक चीज़ मैंने यहाँ पे ट्रेडिशन देखा है, यहाँ पे फिश का कल्चर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सी फूड इतना पसंद करते हैं और यहाँ पे सी फूड हर जगह है भाई यहाँ पे। तो मैं जब पहली बार ही आया था यहाँ पे मेरे को लगा था अच्छा ठीक है भाई सी फूड तो ठीक है, यहाँ पे रिवर तो है, समझ गया मैं रिवर है तो सी फूड खाएंगे लोग, बट यहाँ पे ठंड में कैसे यहाँ पे सी फूड का कंजम्पशन करते हैं यार, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ बर्फ़ है। तो यहाँ पे फिशिंग करना होगा तो भाई कैसे करेंगे भाई, क्या क्या सिस्टम है यहाँ पे फिशिंग करने का। तो भाई वही मेन रीज़न के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ लेना रिवर में आप लोगों को यहाँ पे दिखाने के लिए कि यकूत्स में द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, जहाँ पे सब कुछ बर्फ़ होता है, जो रिवर होता है वही फ्रीज हो जाता है और एक्चुअली इंसान भी फ्रीज हो जाते हैं, वहाँ पर लोग फिशिंग करते कैसे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे होस्ट हैं चाशा, जिनके हेल्प के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए हैं। What is your name? Alexei. ये देख लो भाई यकूतिया बाई कदी और ये -45 degree का ये जैकेट पहना हुआ है इन्होंने और ये पूरे शूज देख लो। यू आर द फिशरमैन हियर? यू फिश हियर? या ओके। तो ये यहाँ पे फिशिंग करते हैं। तो इनका नाम है अलेक्सेई और अंदर यहाँ पे एदिक बोल रहे हैं, एदिक हैं और एक इनके टीम मेंबर है जो यहाँ पे भाई फिशिंग करते हैं। देख लो भाई ऐसे मछुआरे होते हैं यहाँ पे दुनिया के सबसे कोल्डेस्ट प्लेस में। तो मेरा भाई फिशेस के साथ नाता तो काफ़ी 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 क्या बोलते हैं नज़दीकी है। बट एनीवेज ये फ़िलहाल देख लो हम लोग फिशिंग कर रहे हैं और फिशिंग कहाँ कर रहे हैं देख लो, ये बर्फ़ देख लो लिटरली पैर भाई भाई देख लो घुटनों तक बर्फ़ आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। और ये एक्चुअली रिवर के ऊपर है ये। तो भाई यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे टेंट लगाया हुआ है क्योंकि भाई इनको भाई कोई एक जगह तो चाहिए भाई जहाँ पे लोग अपना मतलब बेस बना सके और जहाँ पे थोड़ा बहुत हीटर वगैरह लगाया हुआ, देख सकते हो धुआं निकल रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे लोग रेस्ट वगैरह करते हैं क्योंकि बाहर तो आप ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। तो यहाँ पर फिलहाल देख लो भाई यहाँ पे लोग लिटरली रिवर को यहाँ पे बर्फ़ क्लीन कराए और यहाँ पे लोग अभी शायद कैसे करेंगे फिशिंग अभी देखते हैं भाई। वैसे ही बता रहा हूँ मैंने ऐसा कुछ लाइफ में कभी नहीं देखा क्योंकि यार मैं आता हूँ वेस्ट बंगाल से और वेस्ट बंगाल में फ़िशिंग तो पता ही आप लोगों को कितनी ज़्यादा होती है क्योंकि भाई हमारे वेस्ट बंगाल में गंगा भी फ्लो करती है और हमारे पास क्या बोलते हैं समुंदर भी है। तो भाई मैंने फ़िशिंग काफ़ी देखी है बट ऐसी फ़िशिंग मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ जहाँ पर लिटरली पूरी पूरी बर्फ़ के रिवर से लोग फिशिंग कर रहे हैं। देख लो भाई यहाँ पे इन्होंने अभी क्लीन करा हुआ है बर्फ़ पूरा और क्लीन करके ये एक्चुअली रिवर है तो रिवर में आई थिंक जितना अंदर गड्ढा करेंगे शायद उतना। तो ऐसे करके भाई कुछ ये लोग अभी सिस्टम बना रहे हैं। तो देख लो भाई ये हमारे फिशरमैन, तो यहाँ पे शायद ये कुछ इनके औजार होंगे जिससे कि फिशिंग करने वाले ब्लेड यहाँ पे ब्लेड चेंज कर रहे हैं पूरे। बाकी का यहाँ पर देख लो ये हीटर है, यहाँ पे हीटर से पूरे टेंट के अंदर काफ़ी गर्म गर्म सा फील हो रहा है। हाँ टेम्परेचर कुछ अराउंड अभी -45 के अराउंड है बट अंदर काफ़ी गर्म गर्म फील हो रहा है। तो भाई यहाँ पे इन्होंने बर्फ़ क्लीन करा है, ये देख लो यहाँ पे वो देख सकते हो तो यहाँ पे भाई देख सकते हो बर्फ़ देखने को मिल रही है। मुझे पता नहीं है बर्फ़ ही है या फिर ये रिवर का स्टार्टिंग है बट अभी फ़िलहाल हमारे फिशरमैन है वो अपने क्या बोलते हैं इक्विपमेंट्स लेके आ रहे हैं फिशिंग करने के लिए। बाकी का भाई अभी हम लोग कुछ 10 मिनट हो गए और सारा मतलब जमने लगा है बॉडी। सही बता रहा हूँ गाइस, पर्सनल ओपिनियन है ये मेरा कि यार अभी इतना ट्रैवल करने के बाद अभी थक सा गया हूँ मैं अभी बर्फ़ देख देख के ना, क्योंकि यार अभी ऐसा हो गया कि काफ़ी देख लिया और अभी मन भर गया है। अभी भाई इंडिया जाने का मन कर रहा है अभी, मतलब गरम गरम सा कुछ देखने का मन कर रहा है। ये देख लो भाई
ऐसे भाई यहाँ पे बर्फ में होल कर रहे हैं आई थिंक। ओह वाओ क्रेजी, ये देखो भाई ऐसे होल बना रहे हैं यहाँ पे जिससे कि ये फिशिंग कर पाए, जिससे कि एक्चुअली पानी तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं लोग बर्फ तोड़ के। ओ भाई साहब भाई कितना अंदर लेके चले गए, ओ शिट क्रेजी, ये देखो भाई पानी आ गया बाहर। भाई हमने भी ट्राई करा, ये इतना मुश्किल है भाई, देखने में आसान लग रहा है होल करना, वन मिनट कनी टिकी टेकी आउट आउट आउट। ये देख लो भाई कितना कितना ज़्यादा गड्ढा है, लेट्स अराउंड वन मीटर, एक मीटर तक भाई अंदर चला गया, अभी पानी आया नहीं है वो ये देख लो भाई इतना छेद हो गया तभी भी भाई पानी निकल नहीं रहा। तो भाई ऐसे देख लो भाई ऐसे पानी निकल जाता है यहाँ पे लेना रिवर में फिशिंग करते टाइम, दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस में भाई, मैंने कुछ ऐसा लाइफ में नहीं देखा यार, दिस इज़ क्रेजी इनसेन है भाई, ये सही बता रहा हूँ। ये जो फिशिंग करवा रहे हैं हमको, ये करवा रहे हैं इन भाई साहब, इनका देख लो राई बल्का अंडरस्कोर ऑक्टेम, इनके कंपनी का क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम है, तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो अगर आप लोग आ रहे हो याकूस में, तो आप लोग उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस में अगर आप लोगों को फिशिंग एक्सपीरियंस करना है, बट ये आपको बस ये देखने के लिए विंटर में आना पड़ेगा आपको, क्योंकि समर्स में तो यार पूरा मतलब नॉर्मल रिवर ही होता है यहाँ पे। तो ये सेम होल जो अभी हम लोगों ने आप लोगों को बाहर दिखाया, वो सेम होल उन्होंने यहाँ पे अभी टेंट के अंदर करा हुआ है, ये ऑफकोर्स ये तो ये अभी हमको दिखाने के लिए ये अभी कर रहे हैं, एक्चुअली जब असली में लोग फिशिंग करते हैं तो अब ये होल काफ़ी बड़ा होता है, और जो ये जो फिशिंग करने का तरीका है ये काफ़ी लार्ज स्केल में होता है, बट फिलहाल क्योंकि हमारे लिए स्पेशली दिखाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि भाई अभी तक तो वो होल बना रहे थे तब तक 10 से 15 मिनट हम लोग बाहर थे और पूरा फ्रीज हो रहे हैं भाई हम लोग, तो क्योंकि हम बाहर देख नहीं पाते इसको पूरा प्रोसेस, तो इसलिए अभी टेंट में ये पूरा प्रोसेस बना कर दिया, यहाँ पे हीटर चल रहा है तो आई थिंक उस हिसाब से हम ठीक से दिखा पाएंगे आपको। तो ये हुक है जो इसमें इन्होंने कुछ खाना डाला हुआ है फिश का, और अभी कोशिश कर रहे हैं हम लोग पानी से, देख लो रिवर है और यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी थोड़े बहुत फिशिंग करी हुई है, देख लो ये सारे फिशेस पकड़ी हुई है उन्होंने यहीं से पकड़ी है, बट अभी देखते हैं भाई अगला निशाना कौन सा बनता है इनका। तो भाई फाइनली हमने भाई देख लो भाई कुछ अराउंड 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद हम लोग ने फिश जो है पहला हमने लाइव देखा हुआ है, इसके पहले उन्होंने काफ़ी सारा फिश पकड़ा हुआ है यहाँ पे, बट ये पहला फिश है जो मैंने भाई खुद देखा है, देख सकते हो भाई ऐसे करते हैं भाई फिशिंग यहाँ पे। तो भाई इतना टाइम लग रहा था, हम भाई लास्ट वीडियो में देखा था आप लोगों ने कि हल्दीराम के यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे खाया था हम लोगों ने, तो हम भाई लेके बैठ गए थे यहाँ पे आराम से बादाम खाते हुए, उसके बाद ही भाई मिले। ट्राई ट्राई इनको ट्राई करवाते हैं भाई। ओके ओके हमारे होस्ट को खिलाने पर भाई वो नहीं खा पा रहे, उनको बोल रहे हैं काफ़ी स्पाइसी लग रहा है। खरोशो तो भाई भाई तो यहाँ पे अभी हम लोग देख लो भाई हमको भी इन्होंने दे दिया एक एक फिशिंग रॉड, और अभी फ़िलहाल हम भी यहाँ पे बैठ के भाई फ़िशिंग कर रहे हैं, मैंने इसके पहले कभी फ़िशिंग किया है नहीं भाई, पहली बार ही देख लो भाई लेना रिवर में बैठ के दुनिया के सबसे ठंडे जगह पे भाई हम फ़िशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, देख लो भाई देखते हैं भाई कि मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, अब हुआ नहीं भाई बैठे हुए हैं। Big fish are rare. At this time, in winter? Further. In short, it was necessary. It was necessary. It is necessary to go even further. Oh my God. तो आइस फिशिंग के बारे में मुझे पता चला भाई यूट्यूब में वीडियोस देखने का, इसके पहले काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे मैंने आइस फिशिंग के, तो वही देख के फिर मैंने मेरे होस्ट को बोला था कि मुझे ये करना है, तो यूट्यूब में देखा बहुत बड़े बड़े फिश पकड़ रहे थे ये लोग, और यहाँ पे ये लोग काफ़ी छोटे छोटे फिश पकड़ रहे हैं, जिनको मैंने बोला कि यार हमको भी वैसे बड़े बड़े फिश पकड़ना है, तो वो बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल अभी क्योंकि पीक विंटर चल रहा है अभी,
सबसे मोस्ट कोल्डेस्ट डेज में आ रहा है अभी फिलहाल जब हम फिलहाल हैं। तो अब जो बर्फ़ की जो डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, कुछ अराउंड 1 से 2 मीटर की बस बर्फ़ है। तो ऐसे टाइम पे बड़े फिश मिलना काफ़ी मुश्किल है। छोटे छोटे फिश हमको मिल रहे हैं, ऐसे मैंने आप लोग अभी दिखाया, और वो बड़े फिश अगर आपको पकड़ना है तो आपको मार्च के बाद या तो आप ट्राई कर सकते हो, या तो फिर अगर आप विंटर के शुरुआत में अराउंड सेप्टेम्बर अक्टूबर के टाइम पर, तब जब बर्फ़ की जो डेप्थ होती है वो कम होती है, तब आपके चांसेस है कि आप बड़े फिश पकड़ पाओ। तो यहाँ पे ये कुछ बड़ा होल कर रहे हैं, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे बड़ी फिश अगर कोई हाथ लग जाए तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है यहाँ पे ये वाले टाइम पे कि बड़ी फिश मिले, क्योंकि बड़ी फिश ढूंढने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा और बर्फ़ इतनी ज़्यादा है अभी कि चांसेस बहुत कम है। बट तभी भी ये बोल रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं अभी। भाई इनको देखो भाई, ये बिना ग्लव्स के फिशिंग कर रहे हैं यार, क्या क्रेजी है ये। हम लोग ग्लव्स के साथ, हमारा हाथ फ्रीज हो रहा है, और ये देख लो भाई, ये बिना ग्लव्स के भाई फिशिंग कर रहे हैं। तुम I think he is making some system where if he catch a fish then it will automatically hold it. Okay. हाँ automatically तो यहाँ पे भाई ये ऑटोमेट कर रहे हैं फिशिंग को यार। तो अगर बाई चांस कोई हाथ आ जाती है बड़ी फिश तो इनको पता चल जाएगा, ये तरीका है भाई यहाँ पे। तो ये बोल रहे थे कि ये वन ऑफ द वेज है जहाँ पर ऐसे जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है तब अगर पकड़ना हो फिश, बड़ी फिश, तो ऐसे करके यूजली लोग पकड़ सकते हैं। तो हम भाई बस देखते हैं, अगर मिलता है तो बढ़िया है, नहीं मिलता है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। बाकी का भाई फिशिंग में कुछ गारंटी तो दे नहीं सकते, बट मेरा मेन पर्पस आप लोगों को यहाँ तक लेके आना ये था कि मैं आपको दिखाऊं कि आइस फिशिंग एक्चुअली होती कैसी है। चाहे बड़ी फिश पकड़ना हो, छोटी फिश पकड़ना हो, फिशिंग करने का तरीका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए यहाँ पे आप लोगों को लेके आने का। तो ये तो देख लिया भाई हम लोगों ने कि फिशिंग आइस में स्पेशली जब इतनी बर्फ़ गिरी होती है और जब पूरा जो रिवर जो है फ्रोज हो चुका होता है वो टाइम पे फिशिंग कैसे करते हैं, तो ये भाई आप लोगों ने देख लिया। प्रिवेत, हेलो, यू नो इंग्लिश? इंग्लिश नो, नो little chut chut da hi your name vishnu my name is vishnu vishnu bu maine ya buani bu bu तभी फिलहाल भाई हम लोग हैं एक लोकल के घर पे, यहीं पे विलेज में। मेरे काउचसर्फिंग होस्ट के फ्रेंड है शायद ये, मीट हॉर्स, ये हॉर्स मीट्स, ओके हॉर्स मीट यार। द थिंग इज यहाँ पे मंगोलिया और रशिया में हॉर्स मीट इतना कंज्यूम करते हैं। मेरे मंगोलिया वीडियो में काफ़ी लोगों ने मुझे गालियाँ दी कि यार भाई आप हॉर्स मीट भी ट्राई कर दो, हॉर्स मीट भी खा रहे हो। सही बता रहा हूँ गाइस, बीइंग ए नॉन वेजिटेरियन जब मैं अलग अलग कंट्रीज ट्रैवल करता हूँ, मैं बीफ को छोड़ के यूजली हर मीट ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि यार मुझे लगता है कि उनके कल्चर को सपोर्ट करना ज़रूरी है। बहुत सारे कल्चर में ऐसे मंगोलिया रशिया यहाँ पे हॉर्स मीट काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और अब क्या ही बताऊँ मैं, कितने बार मना करूँ, इसलिए फिर मैं ट्राई कर लेता हूँ। बट अभी फ़िलहाल इन्होंने मुझे यहाँ पे फ़िश ऑफर करा है, यहाँ पे यकूत में अगर आप कोई खाना खा रहे हो तो यहाँ पे फिश जरूर आपको देंगे लोग। तो ये फिलहाल देख सकते हो भाई खाना खा रहे हैं, सलाद है, और ये भी आई थिंक कोई मीट है, राइस है, और ये पूरा देख सकते हो आप लोग माहौल। और ये इनका लोकल घर है यहाँ पे फिलहाल देख सकते हो आप लोग, आपको मैं ऊपर भी लेके जाऊंगा, दिखाता हूँ आपको कैसा है यहाँ पे लोकल यकूतीन हाउस।